Somebody came to me and he told me that your college has been, they are demolishing your college. They didn't approach me. I came out all of a sudden and I noticed that they are demolishing the college. So thank you. Myself, I am the principal of SSM College of Engineering. My name is Dr. Sajjad Hussain Deen. Today, the Tehsildar and the police came all of a sudden after office hours, and I had to come back from my home. Without serving any notice, they started demolishing our institution. And we were all taken aback. We tried to resist, but they demolished our college without any, without showing us any notice. We informed them if they have to demolish or whatever they have to do, they should first serve us the notice. But they said they couldn't, they hadn't any notice with them. They couldn't show us any notice. They were, we were taken completely aback. No, there were no court orders. There were no court orders. They didn't show us anything. Yes, we tried to approach Tehsildar, and the Naib Tehsildar was also there. And we tried to tell them, we tried to convince them that we haven't been served any notice. But they went on. We were in our offices, and when we... Police force और पूरा administration यहाँ पे आया हुआ था और एक badminton court यहाँ पे अभी Olympics चल रहे हैं और हमारे यहाँ हर तरफ से ये बात हो रही है कि इंडिया ओलंपिक्स में मेडल क्यों नहीं जीतता है, हमारे स्पोर्ट्स में आगे क्यों नहीं आते हैं, और जो कि गवर्नमेंट का काम है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाना, कोर्ट्स बनाना. और मैंने देखा कि एक बैडमिंटन कोर्ट, अभी हमारी पीवी सिंधु जी ने दोबारा मेडल जीता है बैडमिंटन में, एंड यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं लोग. गवर्नमेंट एग्जाम्पल सेट करना चाहती है कि बैडमिंटन कोर्ट हम डिस्ट्रॉय करके जो स्टूडेंट्स खेलना चाहते हैं, कि ये क्या मोटिव है, ये क्या गोल्स है एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे, दैट व्हाई दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय. क्योंकि कोर्ट से तो आई डोंट थिंक कोर्ट इज हार्मिंग एनीवन. इफ अ प्राइवेट पर्सन इज डेवलपिंग अ कोर्ट, इस पे सब आके खेल सकते हैं. कॉलेज में 5000 स्टूडेंट्स हैं, दे आल्सो प्लेइंग इट हियर, और लोग आते हैं बाहर से आके भी खेल सकते थे. एंड दे हैव नॉट ओनली डिस्ट्रॉयड द वॉल्स, दे हैव डिस्ट्रॉयड दैट. व्हाई डू यू वांट टू स्पॉइल, व्हाई डू यू वांट टू डिस्ट्रॉय दिस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर? यू हैव टू बिल्ड इट. आपको ये बनाना चाहिए, और ताकि कश्मीर से, जेएनके से बच्चे यहाँ बहुत स्पोर्ट्स में करना. नहीं, हमारी उनसे बात नहीं हो पाई. अगर बात हो जाती शायद ये मालूम नहीं होगा कि यहाँ पे ये चीज़ हो रही है तहसीलदार के लेवल पे. मे बी आई एम श्योर ही मस्ट नॉट बी, बिकॉज ही इज अ वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन. तो मे बी अगर उनको मालूम होता, ही वुड नॉट हैव लेट दिस हैपन. बट पूरी पुलिस फोर्स इस तरीके से आके एक कॉलेज में इंक्रोचमेंट के नाम पे एक कोर्ट को डिस्ट्रॉय करना, आई डोंट थिंक इट्स गुड. और वैसे भी बाहर से लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, पीपल आर इन गेटिंग इनवाइटेड. मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब गवर्नमेंट खुद लैंड मुफ्त में दे रही है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए, बड़े बड़े लैंड 50 एकड़, 100 एकड़, तो यहाँ एक छोटे से कोर्ट में उनको इतना बड़ा इशू क्या लगा कि इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ा? यहाँ पे स्टूडेंट्स थे, यहाँ पे टीचर्स थे, यहाँ पे फैकल्टीज थी. अब एल जी हुकूमत, देखिये मैं ये चाहता हूँ, जब आप एक तरफ इनवाइट कर रहे हैं लोगों को आइए यहाँ इन्वेस्ट करिए, कॉलेजेस बनाइए, यूनिवर्सिटीज बनाइए, मेडिकल कॉलेजेस बनाइए, और एक छोटे से कोर्ट के ऊपर आप ये मैसेज, ये डिस्ट्रॉय करके ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं वी वांट डेवलपमेंट, और दूसरी तरफ आप ये दिखा रहे हैं कि हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. यहाँ पे कॉलेज भी क्यों? वही तो हम जानना चाहते हैं कि इंक्रोचमेंट, देखिए पूरे जेएनके में कितनी ज्यादा इंक्रोचमेंट है. आप खत्म करिए, बारामूला में ही कितनी इंक्रोचमेंट होगी, इस एरिया में कितनी इंक्रोचमेंट है. अगर आप इंक्रोचमेंट के खिलाफ हैं, आपने एक ड्राइव शुरू की है, आपके कहने का मतलब देखिए सियासत यहाँ पे टारगेट, मुझे नहीं पता वापिस यहाँ विदाउट नोटिस, विदाउट एनी रिटन ऑर्डर, विदाउट एनी रिटन डिमोलिशन ऑर्डर, हाउ कैन यू डिस्ट्रॉय? आपने तहसीलदार